कि वहां पर जो मौजूद बिप्लब देव की भाजपा सरकार है वो जाए, उसको हटाया जाए, तभी वहां पर इंसाफ हो सकेगा, शांति स्थापित हो सकेगी और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके साथ इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सोलह मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, उनपे आगजनी हुई है, उनको जलाया गया है, कुछ मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है, तो कई सारी मस्जिदें ऐसी हैं। मेरे साथ इस वक्त नदीम खान मौजूद हैं, त्रिपुरा भवन पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। नदीम खान, डिमांड क्या लेकर आए हैं और जो हालात इस वक्त बने हुए उन पर क्या कहना? देखिए, डिमांड बहुत क्लियर है हमारी कि जो भी त्रिपुरा में चल रहा है वो खत्म हो, वहां पे पीस हो, लेकिन जिस तरह से सरकार और पुलिस का स्टेटमेंट आ रहा है उससे ये जाहिर होता है कि वहां पर सरकार की मंशा से और उनकी मर्जी से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस पूरी चीजों को किसी तरीके से रुकना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि वहां पर जो मौजूद बिप्लब देव की भाजपा सरकार है वो जाए, उसको हटाया जाए, तभी वहां पर इंसाफ हो सकेगा, शांति स्थापित हो सकेगी और जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके साथ इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब तक कितनी मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं, कितनी मस्जिदों को नुकसान? सोलह मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, उनपे आगजनी हुई है, उनको जलाया गया है, कुछ मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है, तो कई सारी मस्जिदें ऐसी हैं। सरकार की खामोशी पर, सरकार की खामोशी से जाहिर होता है कि जो सरकार त्रिपुरा में वही सरकार दिल्ली में और ये मिलीजुली सरकार है, इसलिए जो वीडियो त्रिपुरा से आएगा वो वीडियो लखनऊ तक जाएगा, उत्तर प्रदेश तक जाएगा, जो चुनाव में फायदा देगा, इसलिए हमले होते रहे, लोगों को लगे कि भाजपा सरकार वही काम कर रही है जो हम चाहते हैं। अच्छा, प्रदर्शन जो कर रहे हैं आप, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या अमित शाह से मिलने की कोशिश, क्या प्राइम मिनिस्टर से? लेकिन यह है कि तमाम दूसरे जो चीजें हैं वो हम लोग कर रहे हैं और हमारा एक डेलीगेशन भी कुछ ज्वाइंट जाएंगे, कुछ फैक्ट फाइंडिंग टीम्स जाएंगे, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। आईएनएन चैनल के साथ इस वक्त नदीम खान मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से, किस भावना से काम कर रही है, उससे क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं और क्या उम्मीद उससे लगा सकते हैं। दिल्ली के त्रिपुरा भवन से आईएनएन चैनल के लिए साहिल नकवी।